मेरे गाजी कहाँ हो, मेरे गाजी कहाँ हो, तेरी जागीर से चल पड़ा काफिला। मेरे गाजी कहाँ हो, ऐ मेरे बावफा, है बहन बेरिदा। मेरे गाजी कहाँ तुझको देखे बिना चैन आता नहीं, नोक नैज़ा पे सर तेरा मिलता नहीं। मैं ज़ियारत करूं किस तरह बता, मेरे गाजी कहो। लाज रख लो बहन की बरादर मेरे, खाक मक्तल मेरे सर का पर्दा बने। हुक्म दे दो जरा, मुंतजिर है हवा। मेरे गाजी कहाँ हो, तेरे बाजू मुझे रास्ते में मिले। मैंने चादर समझ कर वो सर पर रखे, बाजुओं से तेरा पूछती हूँ पता। मेरे गाजी कहाँ हो, देख कर बहन को दश्त में नंगे सर क्या हया गई, छुप गए हो किधर, खुद चली आऊंगी तुम बता दो जरा। मेरे गाजी कहाँ हो, वो तेरी लाडली वो सकीना तेरी, चलते नाके से जब खाक पर गिर गई, देखती रह गई वो सुवे अलकमा। मेरे गाजी कहाँ हो, जो बने मुर्तजा मैं वो ऐसा हूँ, बेरिदा बीबियों की मैं अब्बास हूँ। तुम मेरी आस थे ऐ मेरे बावफा। मेरे गाजी कहाँ हो, घबरा
भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या आही तबाही। अब इस कोना बाद कभी पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब, फट जाएगा बस देखते ही ये घर को कलेजा, याद आएंगे भैया दिल ढूंढेगा तुमको तो कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। बेपैदा हुई कैद बे ख्वाहर ने उठाए और मौत सुनाए, क्या जानिए क्या क्या अभी दुख पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। पूछेंगे जो सब लोग के बाजू पे हुआ क्या ये नील है कैसा, किस किस को निशान रस्सी के दिखलाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। घर जाके किसे देखेगी, कासिम है ना बास, अकबर से भी थी आस, अपने अली असगर को कहाँ पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। भैया तुम्हें घर जाके कहाँ पाएगी ज़ैनब, बंद करो।
فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك الأداء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك الأداء في ولدك الحسين. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء، أحسن الله لك الأداء في ولدك الحسين. السلام عليك يا بقية الله، آجرك الله. السلام عليك يا صاحب المصيبة، السلام عليك يا صاحب الأذى، أحسن الله لك الأذى في جدك الحسين. أذادارو یہ اجڑا اجڑا حسینیاں، یہ اندھیرا اندھیرا ماحول تمہیں کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، شام غریبہ میں زینب کی کیا حالت ہوگی؟ جانتے ہو امامت کو امامت کیسے ملتی ہے؟ امام کو امامت ملتی ہے صبر کی بنیاد پر. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ان کو ہم نے ائمہ اس لیے بنایا کہ انہوں نے صبر کیا ہے. امام زمانہ کے صبر کو پہچانو. روز جمعہ تھا، شام جمعہ ہے، غریب زہرا کو پرسا دینا ہے. روایتوں سے ثابت ہے کہ کربلا میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب کچھ فضا میں موجود ہے. کچھ اوراد و اذکار ہیں کہ جن کو آدمی اگر انجام دے تو وہ منظر دیکھ سکتا ہے. بعض علماء نے محنت کی، مشقت کی، وہ ذکر و اوراد کا مطالعہ کیا تو سرکار باوفا کی شہادت تک دیکھ پائے، اس سے آگے دیکھنے کی تاب نہیں رہی. لیکن وہ منظر جب زہرا کا لال زینے فرش سے فرش زمین پر آ رہا تھا، اور اس وقت سے لے کر جب تک شہادت ہوئی اس منظر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے، اور دیکھنے کی کوشش کرے گا تو خون تھوک کے مر جائے گا، کیونکہ کسی میں وہ تاب نہیں ہے، کسی میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اس منظر کو دیکھ کے برداشت کر لے. لیکن وہ منظر جو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ منظر ہر وقت اس حجرے میں ہے جس میں امام زمانہ تشریف فرما ہے. جو منظر دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ منظر امام زمانہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں. اور وہ حسین کا خون بھرا کرتا جس میں 1900 زخم تنے چاک چاک پر، وہ کرتا ہر وقت امام زمانہ کے اس حجرے میں ہے جس میں امام موجود رہتے ہیں. جب اس کرتے سے خون ٹپکے گا تو ظہور کی علامت ہے. اے میرے مولا، اے میرے آقا، امام زمانہ، آپ کو امامت ملی ہے اس صبر پر کہ اتنی بڑی مصیبت
जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे आप बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ए मेरे आका, हाथ जोड़ के सवाल है, आप इमाम हैं, आपको दर्जा इमामत इसी सब्र की बुनियाद पर मिला है, लेकिन जैनब तो इमाम न थी। ये मंजर जैनब कैसे देख रही थी? बोसा गाए रसूल, शिमर का कुंद खंजर, शायद यही वजह थी। चलते चलते हुसैन इब्ने अली ने जे अमामा उतारा, एक हाथ में अमामा लिया, एक हाथ जैनब के सीने पर रखा, कुछ दुआ पड़ी। अब तक जो जैनब बेचैन थी, जाओ भैया खुदा पे। जैनब पलट रही है, भैया ने कहा जैनब खैमे की तरफ जाओ। अभी जैनब कुबरा खैमे की तरफ पलट रही है कि जुलजनाह ने अपनी पेशानी को खून में मला, इसलिए कि ऐसे जाएगा तो शायद सैदानिया समझे कि अभी हुसैन जंग कर रहे हैं। नहीं, खून मल लिया ताकि जाके खबर दे, हिनहिनाता हुआ दौड़ता हुआ। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुलजनाह चिल्ला रहा था, अज़लीमा अज़लीमा मिन उम्मते मुहम्मदी, हाय उम्मते मुहम्मदी ने कैसा जुल्म कर दिया, नबी के नवासे को मार डाला। एक बार अपनी काकुलों में अपनी पेशानी में खून मला और आया खैमे की तरफ। बच्चे समझे, सैदानिया समझी, सब ये समझे कि बाबा आ गए, किसी ने समझा भैया आ गया, किसी ने समझा वालियो वारिस आ गया। एक बार जैनब कुबरा ने कहा सकीना दौड़ो बाबा आ गए। अरे अब जो सकीना ने देखा और सब ने देखा तो अजब कयामत बर्पा हो गई। कोई बाहें डाल के जुलजनाह से बात कर रहा है, ए जुलजनाह कहाँ छोड़ा सवार को, ए जुलजनाह नबी की सवारी को कहाँ छोड़ा, ए जुलजनाह नबी के सवार को कहाँ छोड़ा। सब रो रहे हैं, सब फरियाद कर रहे हैं। अब तक रोती हुई सकीना को जैसे सकता लग गया। सकीना रोई नहीं वहां पर, बल्कि आके जुलजनाह की पेशानी पर हाथ फेरते हुए एक जुमला कहा बड़े सुकून से, या जवादा अभी हल सुखया अभी हम कुतला आताशा, ए मेरे बाबा के घोड़े इतना बता दे, मेरे बाबा को पानी मिला या मेरा बाबा प्यासा शहीद कर दिया गया। एक बार फिज्जा दौड़ती हुई आई, बीबी गद्दब हो गया, अब क्या फिजा मेरा माजाया मार डाला गया, अब इससे बड़ा गद्दा ही नहीं बीबी, अभी इससे बड़ा गद्दब होने वाला है। क्या फिजा, मैंने पिसरे साथ को कहते हुए सुना है घोड़ों की नालबंदी करो, अभी हुसैनियों की लाश को पामाल करना है। अब भरी करबला में कोई कासिम के, कोई हबीब के लाशे को उठा ले गया, कोई जुहैर के लाशे को उठा ले गया, सब अपने अपने लोगों के लाशे उठा ले गए। भरी करबला में हुसैन का लाशा, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, अरे जैनब डाले दे रही है, मुझे पामाल कर दो, जहरा के लाल को पामाल ना करो। पामाल करने वालों ने देखा कि हुसैन की पीठ पर कुछ काले धब्बे हैं। किसी ने पूछा ये काले धब्बे कैसे हैं? कहा क्या काले धब्बे नहीं है, गरीबों को रोटियां रात में जो देते थे उसके घट्टे हैं। लोहादारों लाशें पामाल हो गई और अब यकायक खैमे राख के ढेर में तब्दील होने लगे।
सैदानिया एक खेमे से दूसरे खेमे, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे फरियाद करती चली जा रही है, लेकिन कोई नहीं है जो फरियाद का जवाब दे। अरे खूनी मलाऊन ने वो बेअदबी की, ज़ैनबे कुबरा की चादर को अपने नज़े की नोक से एक बार नोचा, ज़ैनबे कुबरा का सर जख्मी हुआ। ए खूनी, अरे रहम कर रहम, इस सर को कभी आफ्ताब ने भी बेपर्दा नहीं देखा। बाली सकीना कुर्ते के दामन में आग लग गई, दौड़ रही है। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा एक बच्ची दौड़ रही है और आग लहक रही है। मैंने चाहा कि बच्ची के दामन से आग बुझा दूं, बच्ची कांप गई। जब देखा कि मैं रहम करने वाला हूं तो बच्ची ने कहा, ए यार मर्द अरब, आग तो मैं बुझा लूंगी, अगर तू कर्म करना चाहता है तो मुझे मदीने का रास्ता बता दे, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। कहा जाके वहां क्या करोगी? कहा जाके दादा से शिकायत करूंगी, दादा अरे आपकी उम्मत ने आपके नवासे पर रहम न किया दादा। हमीद इब्ने मुस्लिम का बयान है कि मैंने देखा एक सैदानी थी जो सुर्ख चादर ओढ़े थी। सुर्ख चादर ज़ैनब के पास कहाँ से आई? आप समझे, ज़ैनब के पास तो सुर्ख चादर नहीं थी, सफ़ेद चादर थी। जानते हैं ये सुर्ख चादर कब बन गई? जब अली अकबर के जनाजे पर गई वबनाओ खैया, वबनाओ खैया कहते हुए। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने एक बीबी को देखा जो बड़ी गमजदा थी, बड़ी जफा शियार थी, बड़ी ही जाफिशानी उठाने वाली बीबी थी, दुश्मनों की जफाकारियों का मुकाबला कर रही थी। जफाकश बीबी बार 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 खैमे में जाती है और बार बार खैमे से बाहर निकलती है। खैमे जल रहे हैं, शोलों में तब्दील हैं खैमे। बीबी बार बार खैमे में जा रही है, बार बार खैमे में आ रही है। मैंने पूछा, बीबी तुम्हारी कोई कीमती चीज खैमे में रह गई है? कहा, मेरा एक कीमती माल खैमे में रह गया है। और अब जो हिम्मत करके बीबी खैमे के अंदर गई तो पुश पर एक बीमार को लेकर आई, लाकर करबल की जमीन पर लटा दिया। लो अंधेरा छा गया, करबला में शाम गरीब आ गई। अब्बास दौड़ो, कल तक तुम तिलाया फिर रहे थे, आज अब्बास बन के ज़ैनब माँ भी बनी है, अब्बास भी बनी है। गरीबों की शाम, यतीमों की शाम, लावारिसों की शाम, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, सब सो गए। ए उम्मे कुलसूम, भैया की अमानत सकीना नहीं दिखाई दे रही है, चलो देखें। रास्ते में चल रही हैं कि तो देखा दो बच्चे ज़मीने करबल पर सो रहे हैं। ए उम्मे कुलसूम ज़रा आहिस्ता बढ़ना, ये बच्चे थके बच्चे, भूखे बच्चे, प्यासे बच्चे, ये आराम कर रहे हैं, ज़रा इन्हें प्यार से उठाना। आहिस्ता आहिस्ता उम्मे कुलसूम बढ़ी ताकि बच्चों को लाके किनारे में रखे। जैसे ही पहुंची चीख मारेगा, वाह मुसीबता, वाह गुरबता, बहना ज़ैनब ये बच्चे सो नहीं रहे। घोड़ों की टापे बच्चों पर ऐसी पड़ी कि ये बच्चे दुनिया से गुजर गए। चलो कहाँ पूछे,
इस अंधेरे में किससे पूछे? अली अकबर, सकीना को देखा है बेटा तराई की तरफ। भैया बस, सकीना तुम्हारी तरफ तो नहीं आई भैया? कोई जवाब नहीं। रास्ते में एक मर्द अरब मिला, क्या तुमने किसी बच्ची को देखा है? कहा मैंने किसी बच्ची को तो नहीं देखा, लेकिन उस नशेब से किसी बच्ची के कराने की ऐसी आवाज आ रही थी कि जिसकी वजह से मेरे ऊंट ने पानी पीना छोड़ दिया। कहा चलो उम्मे कुलसुम चलो। अब जो नशेब में पहुंची, सरे बुरीदा जिस्म है सर नहीं है। जैसे ही करीब पहुंची, वैसे ही जिसमें बिला सर से आवाज आई कि जैनब जरा आहिस्ता, जरा आहिस्ता, जरा आहिस्ता। काफी देर के बाद मेरी बेटी को नींद आई है। मेरे सीने पर सोने वाली सकीना को ए मामे जमाना आइए। ये शाम गरीबा के आजादार आपको पुरसा देने के लिए बैठे हैं मौला। इन सब की ताजियत कबूल कीजिए मौला। बड़े प्यार से, बड़े जतन से उठाया बेटी सकीना। लाशों को पहचानने का तरीका है या जिस्म पर लिबास हो या जिस्म पर सर हो, दोनों नहीं है तुम्हारे बाबा के पास। तुम अपने बाबा तक पहुंची कैसे? ए बुबी अम्मा ये ना पूछिए, जब शिमर ने तमाचे मारे ना, जब लबे कटी दुर्रे छीने गए, मैं बाबा 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 कह रही थी, तो इसी सरे जिसमें बुरीदा से, इसी कटे हुए जिस्म से, इसी जिसमें बिला सर से आवाज आई थी, एलैया एलैया या बुनैया, ए मेरी बेटी तेरा बाबा आ जा। आजादारो आज घर जाना तो बिस्तर उलट देना, आज घर जाना तो बिस्तर पर न सोना, बिस्तर उलट देना। आज जैनुल अबास शाम गरीबा में करबला की रेती पर पलटे में सकीना, करबला की रेती में अल्लाह फरियाद, जिसको अब्बास हुसैन की आगोश में नींद आती हो वो आज करबला की रेती पर। कहा जाता है कि जौजाए हुर पानी लेके आई थी, आई होगी, लेकिन मेरा मुशाहिदा कहता है जब आई होगी और सकीना ने देखा होगा पानी, तो यही कहा होगा अरे मैं ये पानी कैसे पी लूं, इसी पानी के लिए तो मेरा नन्ना भैया अली अदरा तीरे से शोभा का के सो गया। वक्त मजलिस सजादारो, बच्चे मंजर लेके आएंगे अला तशा, देखना कहीं अली मुर्तदा होंगे, देखना कहीं फातिमा जहरा होंगी और जैनब कुबरा को दिलासा दे रहे होंगे ये लोग। तुम भी दिलासा देना बीबी, हम वहां नहीं थे लेकिन आज शाम गरीबा मना रहे हैं बीबी, ताकि आपको ताजियत दे सके। बच्चों को सुला दिया जैनब ने, कैसे सुलाया भूखे बच्चों को नहीं मालूम, कैसे सुलाया प्यासे बच्चों को नहीं मालूम। सुला दिया इबादत में मसरूफ। एक बार बहन को मुखातब किया, ए उम्मे कुलसुम कोई साया देख रही हो? हाँ बहन कोई साया लग रहा है। नहीं बहन ये साया नहीं है, कोई घोड़े पर सवार आ रहा है, कोई घोड़े पर सवार। आप कौन है बहना? लगता है जालिम फिर लूटने आ रहे हैं, लगता है जालिम फिर लूटने आ रहे हैं। अब तो हमारे पास कुछ बचा नहीं। अच्छा उम्मे कुलसुम तुम बैठो, मैं जाती हूं। साया घोड़ सवार में तब्दील होता रहा,
जैसे जैसे करीब आया वैसे ही अली की बेटी घोड़े सवार के पास गई। ए सवार, मेरे बच्चे अभी थके हारे सोए हैं, तमाचे खाए हुए बच्चे सोए हैं, परेशान हाल बच्चे सोए हैं, भूखे बच्चे सोए हैं, प्यासे बच्चे सोए हैं, यतीम बच्चे सोए हैं, लावारिस बच्चे सोए हैं, बेनवा बच्चे सोए हैं। अब तो हम तेरे शिकंजे में हैं, तो कल सुबह आ जाना, अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। अब जो भी बचा तुझे लगे वो कल आके ले जाना। लेकिन सवार है जो बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है। ए सवार, मैं कहती हूँ रुक जा, ए सवार मेरे बच्चे अभी सोए हैं, प्यासे बच्चे, भूखे बच्चे। लेकिन सवार है कि जो रुकता ही नहीं है, चला आता, बस अब अली की बेटी को जला लाया। तू मुझे कमजोर समझता है, तू मुझे नातवा समझता है, तू क्या समझता है? मैं अली की बेटी हूँ, मैं अब्बास की बहन हूँ, ये कह के जो लजाम ने फरस पर हाथ रखा, सवार ने अपनी चादर हटाई, बेटी न पहचाना, मैं तेरा बाबा अली। अरे जैसे ही गुर्बत में बाबा को देखा, लब्बे शिकवावा हुए, अब आए ओ बाबा, जब लुट गया परदेश में अम्मा का भरा कर, अब आए ओ बाबा, बाबा बाबा अगर आना ही था खालिक की रजा से, उस वक्त कहा थे जब खाक पे दम तोड़ रहा था मेरा अकबर, अब आए ओ बाबा, बाबा 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 जब लोग बचा ले गए लाशे सो हटा के हक अपना जता के, बस एक तने शब्बीर था है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, है सज्जाद, ताजियाने शिंद के और नातवा सज्जाद है, ताजियाने शिंद के और नातवा सज्जाद है। फिर भी लेकर चल रहा, फिर भी लेकर चल रहा, सब कारवां सज्जाद है, सज्जाद है, सज्जाद है, सज्जाद है, सज्जाद है, सज्जाद। शिम्र बोला क्या यही बूढ़ा है सर, शिम्र बोला क्या यही बूढ़ा है सर भर का पिसर, हम तो सुनते थे बहुत कड़ी अल जवां सजाद है। फिर भी लेकर चल रहा, फिर भी लेकर चल रहा, सब कारवां सजाद है, और नातवा सज्जाद है, सज्जाद है, सज्जाद है, सज्जाद है, सज्जाद। चादरे ज़ैनब के गम का इम्तिहान ऐसा दिया, चादरे ज़ैनब के गम का इम्तिहान ऐसा दिया, जिंदगी और मौत के बस दर में आ सजाद है। फिर भी लेकर चल रहा, फिर भी लेकर चल रहा, सब कारवां सजाद है, सजाद है, सजाद है, सजाद है, सजाद है, सजाद। प्यास में शरबत पिलाया कातिले अकबर को भी, प्यास में शरबत पिलाया कातिले अकबर को भी, देखो कितना रहम दिल और मेहरबान सजाद है। फिर भी लेकर चल रहा,
کر چل رہا سب کارواں سجاد ہے دربار ستم میں ظالم یہ کہتا تھا ہماری جیت ہوئی تم عالم ہو مت قیدی ہو سب خاک میں ہے توقیر ملی اتنے میں گونج اٹھی تان دیتا تھا نبوت کے حرام کو جب یزید تان دیتا تھا نبوت کے حرم کو جب یزید مسکرایا اس گھڑی سن کر رضا سجاد ہے پھر بھی لے کر چل رہا پھر بھی لے کر چل رہا سب کارواں سجاد ہے ایسا حسن صادق امیر نوحہ یہ شاہکار ہے ایسا حسن صادق امیر